रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार अजीज़ हूँ, आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दोस्तों, आज हम दो मामलात पर बात करेंगे और वो दोनों मामलात इमरान खान शहबाज गिल से मुतल्लिक हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर असलियत ज़ाहिर हो रही है। दोस्तों, हमें बेसिकली सियासी वर्कर समझा जाता है, लेकिन मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, मैं और मेरे जैसे हज़ारों और लाखों वो लोग जो इमरान खान का हर हाल में साथ देना चाहते हैं, वो दरअसल कोई किसी सियासी जमात के लिए हम उसका साथ देना नहीं चाहते, बल्कि हम अपने वतन अजीज़ के लिए उसका साथ देते हैं। तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से, और सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें, और लोग पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। खैर, हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जब कोई बात करेगा हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे इदारों के ख़िलाफ़, तो फिर हम ज़रूर उसको जवाब देंगे। चलो दोस्तों, असल मुद्दे की तरफ चलते हैं। असल हमारा जो मुद्दा है आज, वो ये है कि आज हुकूमत को, हुकूमती पार्टी को, इम्पोर्टेड हुकूमत को अदालत में बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि अदालत में शर्मिंदगी कैसे हुई। दोस्तों, शर्मिंदगी कुछ इस तरह से हुई कि वकील जो रिजवान अब्बासी साहब हैं, उसके अपने शहबाज गिल के जो सरकार की तरफ से वकील हैं, उन्होंने ज़मानत, जो ज़मानत का केस है उसमें वक्त मांगा। वक्त मांगने की वजह आपके सामने है कि उस केस में है ही कुछ नहीं, और ना ही वकील साहब, हालांकि बड़े अच्छे वकील हैं वो, और ना ही वकील साहब के पास कोई दलाइल थे, तो टाइम मांगा। दूसरा केस था इमरान खान का, उसमें भी अदालत से उन्होंने टाइम मांगा। अब जब केस में कुछ नहीं होगा तो बेचारा वकील वहाँ जाके क्या करेगा, तो बिल्कुल ही उनके पास कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी मतलब उनकी तैयारी नहीं थी वकील साहब की, रिजवान अब्बासी साहब की, और ना उनके पास कोई मवाद था। जब बेबुनियाद इसी तरह बनेंगे अपने केस बनेंगे, तो फिर मवाद तो होता नहीं है, तो फिर इसी तरह होता है। तो अदालत में आज जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने मैं बयान करूंगा। अदालत में बड़ी दिलचस्प बातें हुई आज, और एक तरह से हुकूमत फंस गई है, हुकूमत अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई है। और मेरे ख़्याल में जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, वो भी फंस गई है। वो इसलिए फंसी है कि अदालत ने बाबर अवान से पूछा कि इमरान खान साहब ने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया, तो बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान ने मुतलका पुलिस को अपना बयान दे दिया था। अब वो बयान अदालत के पास नहीं पहुंचा, तो अब अदालत इस नतीजे पर आज तो ना पहुंच सकी, लेकिन अब देखते हैं 20 तारीख को क्या कहते हैं। तो अब अदालत ने नोटिस भेजने हैं मुतलका पुलिस को कि आपने वो जो इमरान खान ने बयान अल्फी या जो बयान दिया था इस केस, दहशतगर्दी के केस के मुतालिक, वो आपने उसको ज़ाहिर क्यों नहीं किया, अदालत में पेश नहीं किया। एक तो यहाँ पे फंस गई। दूसरी बात ये है कि अदालत ने यह भी कहा कि ये किस कानून के तहत या कहाँ, किस कानून में लिखा है कि एक मुजरम, और बाबर अवान ने भी कहा कि एक जो मुलज़िम होता है वो थाने में पुलिस के आगे पेश हो, उसका जो बयान होता है वो ज़रूरी होता है जो उसने अदालत में पेश करना होता है। तो बयान तो इमरान खान ने दे दिया था, लेकिन वो उन्होंने अदालत में पेश नहीं किया। अब बाबर अवान इस पर शदीद जो है गुस्से में हुए, और उन्होंने कहा जी ये तो पुलिस के ख़िलाफ़ केस बनता है, तो अब यकीनी तौर पर पुलिस के ख़िलाफ़ भी ये केस फाइल होगा कि पुलिस ने हकायक को क्यों छुपाया। अदालत के सामने हकायक को छुपाना मेरे दोस्तों बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता है। अब देखते हैं, खैर हमारी तो अल्लाह खैर करे, अदालतें भी ऐसी ही हैं, जैसा इंसाफ हमें मिल रहा है या जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो वो हमारी अदालतों के कारनामे भी हमारे सामने हैं। तो ये मुद्दा है आज के, हुकूमत को तकरीबन ये सारी बातें उल्ट होके पड़ रही हैं। इमरान खान का अल्लाह ताला साथ दे रहा है, ये खबर कोई आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा
सदमे का बायस या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी खबर नहीं है जिसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ कहें या कोई ऐसा तबसरे वाली बात, लेकिन चूंकि आज ये हुआ है तो मेरा ये दिल था कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं कि हर एक गेम उल्टी पड़ रही है सब इंपोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही जिसका आगे हम आप जिक्र भी करेंगे, वो ये कि सैलाब जदगान जो हैं उनकी मदद करना, उनको सारी सहूलतें देना हुकूमत वक्त का काम है। और इमरान खान साहब आज रात को, गुज़श्ता रात को यानी 11 की रात को जो टेलीथॉन कर रहे थे सैलाब जदगान के लिए, तो दो चैनल उसको बराह रास्त दिखा रहे थे, ARY और बोल्ड। अब मेरी अपने पूरे पाकिस्तानियों से ये इल्तमास है कि बगैर सियासत के आप इसको सोचें। मैं हमेशा उस मुद्दे पर आकर बोलता हूँ या उस मुद्दे पर आके प्रोग्राम करता हूँ कि जो मुझे चुभे, जो बिल्कुल ही जिसकी कोई बुनियाद ना हो। अब पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ इमरान खान के ख़िलाफ़, कुछ इमरान खान ने बयान दिए, कुछ ये वो, तो मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि मैं उसको ज़रूरी नहीं समझता था। लेकिन जब कोई बात हद से गुजर जाती है और कोई भी लाकानूनियत या कोई जंगल बनाया जा रहा होता है जब पाकिस्तान को, तो उस वक्त फिर वो जो दिल के तासरात होते हैं, जो अरमान होते हैं, वो बंदा किसके साथ शेयर करे। तो वो शेयर करने के लिए फिर मुझे ये प्रोग्राम करना पड़ा। तो वो कुछ यूं आके दो टीवी चैनल जो है उनकी टेलीथान जो है वो कोई सियासी बात नहीं थी, वो कोई इमरान खान की ज़ाती मुफाद नहीं था उसमें, तो सरासर हमारे जो भाई सैलाब जदगान से मुतासर हैं उनके लिए टेलीथान करके वो पैसे जमा कर रहे थे। तो दोनों चैनलों को बंद कर दिया। अब कोई भी जी शहूर और गैरतमंद पाकिस्तानी जिसमें इतनी भी गैरत बाकी होगी क्या इस बात को तस्लीम करेगा, क्या ये बात माने, क्या सैलाब जदगान तक जब ये बात पहुंचेगी कि वो इमरान खान हमारे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था और इन जनाब चोर उचक्कू ने वो दोनों चैनल बंद कर दिए। दोनों चैनलों को बंद किया गया, हालांकि अदालतों के वाज़े अहकामात हैं कि आप किसी चैनल की नशरियात बंद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अदालतों को कौन पूछता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आंका जा रहा है पाकिस्तान के कानून को। और मुझे एक दुख और तकलीफ़ एक पाकिस्तानी अवाम से ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इमरान खान ही कहता है तो हम क्यों निकलते हैं, क्या हम वैसे नहीं निकल सकते अपने हकूक के लिए। क्या आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, गरीबों की क्या पोजीशन है। एक आदमी जो 1,000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है वो एक दिन में 8-10-12 घंटे काम करके एक थैला आटे का नहीं खरीद सकता। 400-500 रुपये लीटर ऑयल है, प्याज टमाटर की कीमतें देख लें, बाकी भी सारी कीमतें देख लें, आप एक गरीब आदमी क्या खाएगा। और ऊपर से ये जो बिजली के मामलात हैं इसका तो आप बात ही छोड़ देना। अब मुझे नहीं समझ आती कि जब तक सिविल नाफरमानी नहीं शुरू होगी या इस हुकूमत को किसी ने आड़े हाथों नहीं लिया, हालांकि इमरान खान बड़ा जलील करते हैं इनको, इसके बावजूद पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। वो लफ्ज़ मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा जो मेरे जहन में आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या अमल है यार कि आप अवाम को इतना दो रहे हैं। अभी सैलाब जदगान के लिए पैसे जमा कर रहे हैं खान साहब और दोनों चैनल बंद कर दिए। ओ खुदा के बंदो, इसमें इमरान खान का कोई फ़ायदा है? ये दुख और तकलीफ़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि खुदा के बंदो आप उसके जलसे जुलूस रोक रहे हो। ठीक है सियासी मामले हैं, आप लोग समझते हैं वो तकरीर करके लोगों के जज्बात तो उभारते हैं इमरान खान साहब, जो भी है मान लेते हैं, सियासी बयानी आपका मान लिया। अब ये टेलीथान में कौन सा आपका कुछ जाता था नहीं, क्या पाकिस्तान तुम लोगों के बाप का है जो तुम लोग जिसको चाहे बंद कर दोगे, जिसको चाहे खोल दोगे। फिर गुस्सा आता है तो बंदा ऐसी बातें तो करेगा ना। टेलीथान के ज़रिए उसने पिछली बार भी 5 अरब रुपया जमा किया और कल भी 5 अरब रुपया जमा हो गया। तो आप लोग अपने आप को इतना डीग्रेड कर चुके हो कि अब आप लोग वोट मांगना तो दूर की बात है, आप लोग रास्ते में किसी को नज़र भी आओगे ना तो कुत्ते वाली होनी है आप लोगों की। ये मैं इमरान खान का कारकुन या वो बात नहीं कर रहा, मैं एक आम पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। आपके सियासी इख्तलाफ हैं, आप एक दूसरे के साथ जो करें, लेकिन जो मामला आवाम का होगा, जो अवामी मामलात होंगे उनमें तो हम बोलेंगे।
हमको किसी के खरीदे हुए गुलाम नहीं है आपके या इमरान खान के कि हम आपकी हर बात पे लबैक कहेंगे। पाकिस्तानियों के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तो आपने उसमें रोड़े अटकाए। क्या ये कोई भी रियासत इस तरह का काम कर सकती है? क्या अदालत इस रियासत को नहीं पूछ सकती, इस हुकूमत तो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं पूछ सकती कि भाई ये जो आपने अमल किया है ये किस कानून में है? किस कोई एक जस्टिफिकेशन दी जाए कि सैलाब जनगान की मदद करने के लिए एक टेलीथॉन की जा रही है तो उस पर चैनल बंद करने का क्या क्या स्वाबदीद है, उसमें क्या अमल दखल है, उसमें क्या सियासत है, उसमें क्या गलत है, उसमें ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से आपने चैनल बंद किए दोनों? उसने तो पैसे इकट्ठे करके उनको देना था सैलाब जदगान को। आप खुद भी जो मदद कर रहे हैं वो सबके सामने है। मेरे दो तीन दोस्त हैं इन इलाकों में, उनसे मेरी ये दो से आज भी मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। मैं यकीन करें यहाँ पे बयान करने से ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, इतने बुरे हालात हैं सैलाब जदगान के कि ये अरबों रुपए भी उनके लिए आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। इतनी बुरी हालत हुई है ये हमारे स्वात की केपीके में जो इलाके हैं, उसके अलावा जनूबी पंजाब है, हमारा सिंध है, बलूचिस्तान है, इन इलाकों में ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि आप और मैं सोच ही नहीं सकते। हमने वो मुसीबत और वो चीज़ कभी देखी नहीं है जो वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों के सामने उनके बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, मच्छर, गंदा पानी, बीमारियां, वो फिंसियां फोड़े जो निकलने शुरू हो जाते हैं सैलाब के बाद, अल्लाह माफ़ करे। मुझे दुख इस चीज़ का है कि ये इमरान खान तो उनकी हेल्प के लिए सब कुछ कर रहे थे तो फिर इन्होंने ये क्यों बंद किया? तो ये प्रोग्राम करने का ये मतलब था। आगे दोस्तों फिर किसी और बात, किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में कल या परसों हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदारा उस बंदे का साथ दीजिए जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के साथ मुखलिस हो, अभी भी टाइम है, उठ खड़े हो। मैं कहता हूँ अगर इमरान खान गलत है उसी के ख़िलाफ़ उठ के खड़े हो जाओ, लेकिन कौम बनने के लिए आप लोगों को उठना होगा, आप लोगों को अपने हकूक छीनने होंगे। जिस तरह की महंगाई इस वक्त है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 माह 8 माह में बहुत से पाकिस्तानी खुदकुशियों पर आ जाएंगे। एक बंदा कितने पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकता है और कमाएगा किधर से? कारोबार इन लोगों ने सारे ख़राब कर दिए हैं, बिजली के बिल इतने हैं कि बंदा देख के ही कहता है यार मैं क्या करूं। अब इतनी गर्मी में बंदा बगैर लाइट के और पंखों के तो रह नहीं सकता। एक ही घर का 20-25 हज़ार पे बिल है और एक दो दिनों में, आज मेरे ख्याल में एक आध दिन में और भी बिजली का रेट बढ़ने वाला है या शायद आज बढ़ गया, मैंने आज खबरें नहीं देखी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की दो तीन जो मेन मेन बातें आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ मेरे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान का भी, और सैलाब जदगान की जितनी हो सके अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक ज़रूर मदद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।